व्यू यानी दूसरा, उद्देश्य यानी उद्देशक। आज हम दूसरे उद्देशक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे, आवंती के आवंती लोयल सी अनारंभ जीवी एतेषु चे मणारंभ जीवी। आवंती के आवंती लोयंसी, लोयंसी यानी लोक में, लोक यानी जगत में, आवंती के आवंती इस जगत में जितने अनारंभ जीवी, अनारंभ जीवी का मतलब जो आरंभ समारंभ नहीं करते हैं ऐसे मनुष्य, एतेषु चे मणारंभ जीवी, एतेषु वो क्या करते हैं इन विषयों में अनारंभ जीवी, वो अनासक्त रहते हैं इसीलिए वो क्या होते हैं अनारंभ जीवी होते हैं। एक तो होता है आरंभ, दूसरा होता है शब्द अनारंभ। आरंभ का मतलब होता है हिंसा करना, अनारंभ का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। तो आरंभ कौन करता है, जो पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, जिनका अटैचमेंट होता है पांचों इंद्रियों के विषय के प्रति, वह व्यक्ति क्या करता है आरंभ करता है। दूसरी बात है जिसमें कषाय होता है, जिसमें संयम नहीं होता है, जो प्रमाद का जीवन जीता है वो आरंभ समारंभ करता है, लेकिन जो संयम का जीवन जीता है, जो अहिंसा का पालन करता है, जो अप्रमाद का जीवन जीता है, वह व्यक्ति आरंभ समारंभ से दूर रहता है। ये सूत्र हमें बताता है कि जो व्यक्ति अनासक्त है यानी पांचों इंद्रियों के विषय के प्रति, पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो अनासक्त का जीवन जीता है, वह व्यक्ति आरंभ समारंभ से दूर रहता है, यानी अनारंभ का मतलब है आरंभ समारंभ से वह दूर रहता है। एथो वरे तम जोस माणे अयम संधि ति अदक्खु, जो आरंभ से उपरत है, एथो वरे का मतलब एथ उपरतः, अत्र उपरतः, अत्र माने यहाँ, उपरतः का मतलब उपरत है, किससे आरंभ से उपरत है, आरंभ का मतलब हिंसा से जो उपरत है, यानी जो अहिंसा का जीवन जीता है, हिंसा नहीं करता है। तम जोस माणे, उसने क्या किया अनारंभ की साधना करते हुए, अयम संधि ति अदक्खु, यह संधि है ऐसा देखा है। जो अनारंभ का जीवन जीता है, अनारंभ का जीवन का मतलब है जो आरंभ नहीं करता है, वह प्रमाद से मुक्त रहता है, और वह क्या करता है आरंभ समारंभ से ऊपर होने से वो क्या करता है संधि देखा है। संधि का मतलब है, संधि के दो अर्थ यहाँ बताए हैं, दो मीनिंग है। एक तो है अतीन्द्रिय चेतना के उदय में हेतुभूत कर्म विवर, यानी जो चक्र है विवर है उसको भी क्या कहा है संधि कहा है। दूसरा है अप्रमाद के अध्यवसाय को जोड़ने वाला शरीरवर्ती साधन, जिसे चैतन्य केंद्र या चक्र कहा जाता है। संधि का मतलब चक्र भी होता है, संधि का मतलब चैतन्य केंद्र भी होता है, संधि का मतलब होता है विवर भी होता है, यह बहुत सारे अर्थ हैं। तो हमारे शरीर में चैतन्य केंद्र होते हैं, चैतन्य केंद्र का मतलब होता है जहाँ चेतना सघन रूप में होती है, जहाँ चेतना की जो भाव, चेतना की जो धारा होती है वो ज्यादा मात्रा में जहाँ प्रभावित होती है उसे चैतन्य केंद्र कहा जाता है। हमारे शरीर में भी अनेक चैतन्य केंद्र हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में मुख्य रूप से 13 चैतन्य केंद्रों की चर्चा की जाती है। जे इमस विगहस अयम खणेति मन्नेसी, जे इमस, जे मैंने जो, इमस मैंने इस शरीर का, विग्रह का मतलब शरीर, इमस मैंने इस, विग्रह, विग्रह का मतलब विग्रह, विग्रह का मतलब होता है झगड़ा भी होता है, लेकिन विग्रह का मतलब यह शरीर है। इस शरीर का विघस मैंने इस शरीर का, अयम खणे ती मनने से, यह वर्तमान क्षण है, इस प्रकार अन्वेषी का मतलब है अन्वेषण करने वाला अप्रमत्त होता है, यानी जो व्यक्ति वर्तमान जीवन जीता है, वर्तमान में जीता है, यानी लिव इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में जीता है वह व्यक्ति क्या करता है अप्रमाद की साधना करता है। उसे पता है कि जो कुछ है वो वर्तमान है, तो वर्तमान क्षण में जितना हम लाभ ले सकते हैं उतना हम लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। उत्तराध्यन सूत्र में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जाजा वच्चै रैणी नशा पड़ी नियत तय धम्मम च कौन मानस सफला जंती रायो, जो जो रात्रियां बीत रही हैं, जो जो समय बीत रहा है,
वह वापस लौट करके नहीं आता है। जो व्यक्ति धर्म करता है उस व्यक्ति की रात्रियां समय सफल होता है। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता है ऐसे ही पूरा दिन खाने में पीने में सोने में ही बिता देता है। तो मनुष्य जीवन मिलकर के भी पाकर के भी वो कुछ नहीं करता है तो अंतिम समय जब होता है उसे पश्चाताप होता है। इसलिए सूत्र में बताया गया इस शरीर का यह वर्तमान क्षण है, यानी ये मनुष्य जीवन हमें मिला है इसका वर्तमान क्षण, यानी जो व्यक्ति वर्तमान क्षण का उपयोग कर लेता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता है। सोचता है कि अभी नहीं बाद में करेंगे, बाद में तो पता नहीं क्या होगा। बाद में नहीं, हमें जब भी टाइम मिले हम अपना धर्म ध्यान में लगाए समय। यदि आपके पास काम है तो भी आप अपनी भावधारा को विचारधारा को परिणाम धारा को अपना अच्छा रखें, अपने थॉट्स अच्छे रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। काम करते भी कर्म आप काट सकते हैं। आपको अलग से टाइम मिले तो बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करें, ध्यान करें। यदि आपको अलग से टाइम नहीं मिलता है तो भी आप करते काम करते करते भी आप अनासक्त भाव से करें कि क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, मैं गृहस्थ हूं इसलिए मुझे जॉब भी करना पड़ता है, मुझे रसोई भी करना पड़ता है, क्या करूं मुझे करना पड़ता है, उस भाव से करते हैं आपके कर्म का बंध कम होता है। आप इंटरेस्ट लेते हैं, एकदम इन्वॉल्व उसी में हो जाते हैं तो उससे क्या है ज्यादा कर्म बनता है। काम तो करना पड़ेगा लेकिन हमें उनमें इन्वॉल्व होते हुए भी हमें ये सोचना है मुझे करना पड़ता है इसलिए मैं करती हूँ। मनुष्य जीवन ये बार बार मिलने वाला नहीं है क्योंकि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते हमें मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है। उसमें भी हम जैन बने हैं, आर्य क्षेत्र उत्तम कुल ये सब कुछ मिलना, उसमें भी निरोगी शरीर मिलना ये बहुत ही भाग्य की बात होती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मनुष्य जीवन मिला, उसमें भी जैन धर्म मिला, उसमें भी हम भगवान की वाणी को प्रतिदिन सुनते हैं। तो प्रतिदिन भगवान की वाणी को सुनते हैं कहा जाता है, वह व्यक्ति कान से कभी बहरा नहीं होता है, आंखों से कभी अंधा नहीं होता है और कभी गूंगा नहीं होता है। तो भगवान की वाणी का भी कितना प्रभाव होता है। एक छोटा सा दाखला है, एग्जाम्पल है। एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब थी, बहुत पुअर थी। वो प्रतिदिन अपनी जो आजीविका थी यानी अपना पेट का भरण पोषण है वो लकड़ियां काट करके जंगल में ला लकड़ियां काटने के लिए जाती और जो लकड़ियों का गट्ठा जितना काट सकती थी इकट्ठा करके वो अपने सिर पे लेके आती थी और प्रतिदिन वो गांव में आके बेचती और ऐसे करके अपना जीवन चला रही थी। एक दिन वो जंगल में जाती है, जेठ का महीना, भयंकर धूप, और उस समय वो लकड़ी का बड़ा गट्ठर सिर पे बांध करके आ रही थी और चलते चलते क्या होता है एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और क्या होता है संयोग से जहां लकड़ी का टुकड़ा गिरा सामने ही भगवान का समवसरण था। तीर्थंकर भगवान प्रवचन कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे और जो तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं देशना देते हैं वो 3 घंटे की होती, मिनिमम 3 घंटा, मैक्सिमम तो बहुत सारी हो सकती है। भगवान महावीर अंतिम समय में कंटिन्यू 16 प्रहर देशना दी, 16 प्रहर का मतलब 2 दिन रात कंटिन्यू देशना दी थी लेकिन मिनिमम 3 प्रहर यानी 3 घंटा 3 घंटा वो मिनिमम एक साथ देशना देते हैं। तो भगवान देशना दे रहे थे, उसका लकड़ी का टुकड़ा गिर गया और उसका क्या है कान खुले होते हैं, झुकी हुई थी, सिर के ऊपर लकड़ी का गट्ठर था लेकिन भगवान की वाणी सुनते सुनते उसको इतना आनंद आता है वो सब कुछ भूल जाती है। ऊपर से भयंकर सूर्य का ताप तप रहा था, सिर पे भयंकर भार था और नीचे वो झुकी हुई थी, ऐसे कैसे 3 घंटा तक वो झुकी की झुकी रह गई। जैसे ही 3 घंटा बाद देशना पूरी होती है तब ख्याल आता है कि अरे मेरे सिर के ऊपर गठरी है, लकड़ी का भारा है और इतना भयंकर धूप है लेकिन 3 घंटा तक उसे न भूख की अनुभूति हुई, न प्यास की अनुभूति हुई, न भार की अनुभूति हुई, न गर्मी की, क्योंकि तीर्थंकरों का ऐसा अतिशय होता है, तीर्थंकरों की ऐसी वाणी होती है, प्रभावशाली इफेक्टिव वाणी होती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप लोग आचारंग सूत्र का वाचन सुन रहे हैं, तो भगवान की वाणी साक्षात सुन रहे हैं। तो भगवान की वाणी सुनने से ही हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। तो कहा ए समग्य आरी एहिम पवे दीते, यह मार्ग, ये जो अप्रमाद का मार्ग है वो किसने बताया, आरी एहिम तीर्थंकरों ने बताया है। जो तीर्थंकर होते हैं
वो खुद ही अप्रमाद की साधना करते हैं। तीर्थंकर का मुख्य उद्देश्य यही होता है अप्रमाद की साधना करना और करवाना, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, एक क्षण के लिए एक मोमेंट भी, वन मोमेंट भी वो प्रमाद नहीं करते हैं। जैसे हथेली की रेखा सूखने में कितना टाइम लगता है, उतनी देर के लिए भी वो प्रमाद नहीं करते हैं, यानी वो ध्यान में ही रहते हैं, तपस्या में ही रहते हैं। वो ध्यान करते इसलिए उनकी तपस्या तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि ध्यान करने से एनर्जी मिलती है, जिससे भूख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि प्राण ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे उपवास सहज ही हो जाता है। यदि आप उपवास करेंगे, दिन भर आप एक्टिविटीज करते रहेंगे, आपको उपवास दोरा हो जाएगा, लेकिन आप उपवास में ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आप देखना आपका उपवास कितना अच्छा होता है। कई लोग बोलते हैं हमारा उपवास नहीं होता है, उपवास करके आप जॉब पे जाते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, इससे फिर आपकी एनर्जी गेन नहीं होती, एनर्जी और वे होती है। तो हमें क्या करना है, उपवास के दिन कोशिश करना है कि हम कितना हम जागरूक रह सकते हैं। तो यह जो मार्ग है वो तीर्थंकरों का मार्ग है, अप्रमाद का जो मार्ग है। नेक्स्ट सूत्र है उत्थीर्णोपमाये, पुरुष उत्थित होकर प्रमाद न करे। यानी एक बार हम जागरूक हो गए, सावधान हो गए साधना के लिए, हम क्या है प्रमाद न करे, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, उसमें यदि हम प्रमाद करेंगे तो फिर पता नहीं हमारा यहाँ से कहाँ जाना होगा। तो एक बार हम गुम गए यहाँ से, बाद में तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सुई होती है, यदि वो धागे वाली सुई होती है तो घूमने पर भी मिल जाती है, लेकिन बिना धागे की सुई होती है तो घूमने पर भी वो बहुत ही कठिनता से मिलती है। ये मनुष्य जीवन में यदि हमने प्रमाद का जीवन जिया, हमने कुछ नहीं किया अपनी आत्मा के लिए, अंतिम समय में हमें पश्चाताप होगा कि 84 लाख योनि में कहाँ चले जाएंगे। फिर तो मुश्किल है जैन धर्म को पाना भी, कितने करोड़ करोड़ सागरोपम के बाद तो हमें ये नवकार मंत्र सुनने को मिलता है, क्योंकि मोहनीय कर्म की 70 करोड़ सागरोपम की स्थिति है, उसमें से 69 करोड़ सागरोपम खत्म होता है, 1 करोड़ सागरोपम शेष रहता है, तब जाकर के हमें नवकार मंत्र का नमो अहंताणम ये पद सुनने को मिलता है। तो हम कितने भाग्यशाली कि प्रतिदिन हम नवकार मंत्र जितना चाहे कर सकते हैं। आप बैठ के ना करें तो मन में भी आप काम करते करते भी आप नवकार मंत्र करते रहे, आपका किचन का काम जो आप करते हैं, रसोई भी आपकी अच्छी होगी, जिससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो नवकार मंत्र की साधना तो आप एवरी टाइम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अप्रमाद का जीवन जीना है, यानी आत्मा के प्रति हमें जागरूक रहना। अप्रमाद का मतलब है आत्मा के प्रति हमें जागरूक रहना है, बॉडी के प्रति नहीं। बॉडी के प्रति हम बहुत जागरूक है, लेकिन आत्मा के प्रति हम जागरूक बहुत कम रहते हैं। हमें आत्मा को याद करना है कि ये जो बॉडी है वो हम नहीं है, हम आत्मा है। जानितु दुखम पत्येयम सायम, दुख और सुख व्यक्ति का अपना अपना होता है, यह जानकर प्रमाद न करे। दुखम यानी दुख, सायम यानी सुख, पत्ये यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना होता है, क्योंकि आपका सुख अलग है, मेरा सुख अलग है, मेरा दुख अलग है, आपका दुख अलग है, सबका अपना अपना होता है, क्योंकि सबकी भावधारा, सबकी विचारधारा, सबके थॉट्स एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारे थॉट्स चलते हैं, जैसे हमारी भावधारा विचारधारा चलती है, वैसे ही कर्म है अटैच होते रहते हैं हमारी सोल से। इसीलिए हमें एवरी मोमेंट हमें अपनी भावधारा को, अपने थॉट्स को अच्छा रखना है, और कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भावधारा विचारधारा को अच्छा रखो तो निश्चित रूप से हमारे आयुष्य का बंध अच्छा होगा, क्योंकि जैसा हमारा भाव होता है वैसा ही हमारा भव हो जाता है। तो सदगति हमारे हाथ में है, ये सदगति को हमें प्राप्त करना है वो हमारे हाथ में, दुर्गति प्राप्त करना वो भी हमारे हाथ में है। हमारे जैसे थॉट्स चलते हैं उसी के आधार पर हमारा नेक्स्ट जो वर्त है वो फिक्स होता है। इसमें किसी का दोष नहीं कि ये व्यक्ति सुखी दुखी, वो अपना अपना कर्म है। हम दुनिया में देखते कितने व्यक्ति सुखी है, एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे, और कितने ऐसे व्यक्ति बेचारे दिन भर इतनी मेहनत करते फिर भी उनको पेट भर भी खाने को नहीं मिलता, इतनी मेहनत करने पर भी। और कुछ सेठ ऐसे बिल्कुल मेहनत नहीं करते, आराम से बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने अच्छी पुण्याएं की है, इसीलिए वर्तमान समय में वो सुखी है। यदि वर्तमान समय में नहीं किया, वो बासी तो हम खा रहे हैं, लेकिन अगर नया हमने कुछ नहीं किया तो फिर आगे हमारा क्या होगा,
इसीलिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पुण्य के लिए नहीं, हमारे निर्जरा के लिए हमें साधना करनी है। तो निर्जरा करेंगे तो निर्जरा के साथ पुण्य का बंध अपने आप ही हो जाता है। जैसे जो किसान लोग होते हैं वो धान को बोते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि हमें गेहूं हमें मिले, हमें बाजरी मिले, चावल मिले, उसके लिए वो खेती करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ तूड़ी तो अपने आप हो जाती, उसके साथ जो घास होता है वो अपने आप हो जाता है। वैसे ही हमारी निर्जरा होती है तो उसके साथ पुण्य का बंध अपने आप हो जाता है। हमें पुण्य के लिए नहीं, लेकिन आत्मा हमारी शुद्ध हो, कर्मों से मुक्त हो, उसके लिए हमें साधना करना है। पुड़ो छंदा यह मानवा पुड़ो दुखम पवेदीतम, यह मन इस जगत में मानवा ने मनुष्य, पुड़ो का मतलब है नाना प्रकार के, छंदा का मतलब होता है अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब होता है इच्छा भी होती है, अध्यवसाय का मतलब संकल्प भी होता है। इस जगत में मनुष्य है वो नाना प्रकार की इच्छा वाले या अध्यवसाय वाले या संकल्प वाले होते हैं। पुढ़ो दुखम पवेदीतम, इसीलिए उनका दुख भी पूढ़ो मने अलग अलग होता है। सबका दुख सबका सुख अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सबकी भावधारा सबकी विचारधारा सबके थॉट्स अलग अलग चलते हैं। एक ही साथ जन्म लेते हैं दो बच्चे, फिर भी हम देखते हैं एक तो एकदम निरोगी होता है, एक बच्चा जो ट्विन्स साथ में जन्म है, एक साथ जन्म है, फिर भी उनमें भी कितना फर्क होता है, क्योंकि आत्मा दोनों की अलग है। साथ में ऐसे कोई कर्म किए थे जिससे साथ में जन्म हो गया, लेकिन साथ में जन्म लेने पर भी एक बुद्धिमान होता है, एक मूर्ख होता है, एक गरीब होता है, एक अमीर होता है, एक पढ़ने में होशियार होता है, एक पढ़ने में होशियार नहीं, तो एक साथ जन्म लिया फिर भी इतना डिफरेंट होता है, क्योंकि अध्यवसाय थॉट्स दोनों के अपने अपने होते हैं, इसके कारण उन दोनों में अलग अलग होता है। कई लोग बोलते हैं महाराज दोनों साथ में जन्मे फिर भी इतना अंतर है, ये तो इतना होशियार है, ये बिल्कुल नहीं है, इनको बहुत कहना पड़ता है। तो उसका कारण क्या है? उनके अपने अपने कर्म है, क्योंकि वो कहाँ से आया वो कहाँ से आए, दोनों ही एक स्थान पे मिल गए, ऐसे कोई कर्म एक साथ बन गए थे जिससे मिल गया, गति दोनों की अलग अलग है, ऐसा नहीं कि वो एक ही स्थान से वो आए। अपने अपने व्यक्ति के कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनकी भावधारा के अनुरूप उनके कर्म भी होते हैं। से अविहिंस माने अवय अणवय माने पुट्ठो फांसे पिप्पणोल्लये, से अभिहिंस माने, वह उत्थित पुरुष किसी की हिंसा न करे। अब जागरूक हो गए, सावधान हो गए, अप्रमाद के लिए साधना के लिए तैयार हो गए, अब किसी की भी हिंसा न करे। सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व को अस्वीकार न करे, सूक्ष्म जीव का मतलब है जो सर जीवनी का है, उनके अस्तित्व को अस्वीकार न करे, यानी उनके अस्तित्व को भी स्वीकार करे, कि जैसा हमारा अस्तित्व है वैसे ही उनका भी अस्तित्व है। यानी पृथ्वीकाय भी आपने फर्स्ट अध्ययन में पढ़ा था, पृथ्वीकाय जीव है, आपका जीव है, सभी जीव हैं, उनको भी उनकी आत्मा भी हमारी आत्मा जैसी है, लेकिन अभी उनके कर्म का प्रबल उदय है जिसके कारण उनकी चेतना है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। हमारे थोड़े कर्म का कम उदय है, सूक्ष्म है, इसीलिए हमारी चेतना पूर्ण रूप से विकसित है। हम मनुष्य बने हैं तो वो एक इंद्रिय बने हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए थे, लेकिन उनकी आत्मा का भी अस्तित्व हम एग्जिस्टेंस है, उनको हम स्वीकार करें लेकिन अस्वीकार ना करें। जो कष्ट प्राप्त हो उन्हें संभाव से सहन करें, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। जैसे दिवस के बाद रात, रात के बाद दिवस होता है, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष होता है, वैसे ही पूरी लाइफ में कोई व्यक्ति एक जैसा जीवन नहीं जीता, या तो सुखी या दुखी, ऐसा नहीं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, वो चलता ही रहता है। एस समिया पर्याय व्याहिते, यह सम्यक पर्याय वाला कहलाता है। समिया का मतलब सम्यक, पर्याय का मतलब पर्याय, व्याहिते मतलब कहलाता है। तो भगवान ने ऐसे अहिंसक और कष्ट सहिष्णु पुरुष को सम्यक पर्याय यानी समता का पारगामी कहा है। जो कष्ट सहिष्णु होता है, जो अहिंसक होता है, उनके लिए कहा है समता का पारगामी कहा है उनके लिए। तो हमें क्या करना है? समता का अभ्यास करना है, सहनशीलता, जितना टॉलरेंस पावर हमारे में बढ़ता है उतनी हम कर्मों की निर्जा अधिक करते हैं। गजस्व कुमार में कितना टॉलरेंस पावर था, इतना उनके सिर के ऊपर ससुर जी ने क्या कर दिया, मिट्टी की पाल बांधी, उसके बाद
गरम गरम अंगारे डाल दिए फिर भी हिले नहीं डुले नहीं, थोड़ा सा हमें तो गरम तपेला लग जाता है, गरम समझ भी लग जाता है, हम तो तुरंत बोलने लग जा रहे मुझे जल रहा है मुझे जल रहा है। लेकिन गजेश कुमार इतने छोटे से मात्र 16 साल के 16 ईयर ओल्ड ओनली 16 ईयर के थे, फिर भी कितनी गजब की समता थी, इतनी समता रखी कि उनका मोक्ष हो गया। यदि उस समय वो समता नहीं रखते तो कहाँ चले जाते पता नहीं, लेकिन समता के प्रभाव से मोक्ष हो गया। तो इसलिए समता रखना बहुत जरूरी है। यदि हमें कोई थोड़ा सा भी कहते उसको हम सहन करें उससे बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जना होती है। इसीलिए कहा जाता है दसवीं कालिक सूत्र में कहा है व्यक्ति लोह में कांटों को सहन कर लेता है लेकिन किसी के वचन रूपी कांटों को सहन नहीं करता है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम सामने चार बोलते हैं, जब तक नहीं बोलते तब तक लगता है अरे हमें ये दबा देगा, तो हम क्या करते हैं वापस सामने बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी के एक कटु शब्द को भी हम सहन करते हैं उससे कितने कितने कर्मों की हमारी निर्जा होती है। तो हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है ऐसा सोच करके हम सहन करें एक दूसरे का, क्योंकि जिसके जिसके साथ हमारा संबंध होता है ऋणानुबंध होता है उसके साथ ही हमें रहने का अवसर मिलता है। वो कभी कभी हमारे अच्छे के लिए होता है, वो बार बार हमें बोलता है, उस यदि हम उसको सहन कर सकते हैं तो हमारे बहुत कर्मों की निर्जा होती है। यदि हम सहन नहीं करते तो वापस कर्म का बंध होता, फिर वापस साथ में हमारा जन्म होता रहता है, कभी पति पत्नी के रूप में, कभी माँ बेटी के माँ बेटा के रूप में, सास बहू के रूप में, वो साथ में फिर हमारा जन्म चलता रहता है। इसीलिए हमें क्या करना है समता की साधना और सहिष्णुता की साधना करनी है। यद्यपि है कठिन लेकिन हम यदि कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जे असत्ता पावेहिम कम्मेहिम उदाहु ते आयंगा फुशन्ति इति उदाहु वीरे ते फांसे पुट्ठो हियासये। जो मुनि पाप कर्म में आसक्त नहीं है उन्हें भी कभी कभी शीघ्र घाती रोग पीड़ित कर देते हैं। इस संदर्भ में भगवान महावीर ने ऐसा कहा, उन शीघ्र घाती रोगों के उत्पन्न होने पर मुनि उन्हें सहन करें। कभी कभी कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने तो दीक्षा ले ली है फिर आप लोग क्यों बीमार पड़ते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी से भी यही प्रश्न किया गया। तो भगवान महावीर स्वामी के पास कुछ मुनि आते हैं और भगवान से जिज्ञासा की, भगवान कि हम तो संयमी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर भी रोग क्यों होता है संयमी साधु को। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा जो आपने संयम को ग्रहण किया है वो तो क्या है चारित्र मोहनी कर्म का क्षोभसम है। चारित्र मोहनी कर्म का क्षोभसम होता है तब हमें दीक्षा आती है। जब तक चारित्र मोहनी कर्म का क्षोभसम नहीं होता है तब तक दीक्षा भी नहीं आती है, यानी संयम भी हमें नहीं आता है। और लेकिन शरीर में रोग आता है, साधु भी बन गए फिर भी शरीर में रोग क्यों आता है। तो भगवान महर्षि ने कहा वेदनीय कर्म का उदय होता है। वेदनीय कर्म का उदय तो केवलियों के भी होता है, केवली भी बीमार हो जाते हैं। तो भगवान महर्षि कहते दीक्षा और रोग का संबंध नहीं है। दीक्षा का संबंध तो चारित्र मोहनी कर्म से है, चारित्र मोहनी कर्म का अक्षोपसम है उनसे है, और रोग का जो हेतु है रीजन है वो वेदनीय कर्म का उदय है, वो उदय केवलियों के भी होता है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे इस महाराज कैसे बीमार हो जाते, महाराज तो तपस्या करते हैं साधना करते हैं, लेकिन वेदनीय कर्म तो पता नहीं किस किस जन्म में हमने कौन से कर्म किए, किसको हमने दुख दिया, असाता दी, क्योंकि असाता देने से असाता मिलती है। यदि हम किसी को साता देते हैं तो साता मिलती है, और जितना हम अहिंसा का पालन करते हैं उतना उतना सात वेदनीय कर्म का बंध होता है, और जितना हम हिंसा करते हैं उतना असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। और अहिंसा का पालन कर से आयुष्य भी लंबा मिलता है, शरीर निरोगी मिलता है। तो अहिंसा का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले जन्म में जब अनजान होते हैं जानते नहीं तो पता नहीं है क्या क्या हमारी आत्माओं ने क्या क्या पाप किए हमें तो पता नहीं है। इस जन्म में चलो साधु बन गए दीक्षा ले ली, इस जन्म नहीं करते लेकिन अनंत जन्मों के कर्म तो हमारे साथ चल रहे हैं। इसीलिए साधु के जीवन में भी वो कष्ट आते हैं रोग भी आते हैं। से पुब्बम पेयम पच्छा पेयम भेउर धम्मम वित्तंसण धम्मम अधुबम अणितियम असासयम चया वच इयम विपरिणाम धम्मम पासह एयम रूपम। तुम इस शरीर को देखो, यह पहले या पीछे एक दिन अवश्य ही नष्ट होने वाला है। तो हमारा यह शरीर है वो क्या है अवश्य छूटेगा। कितना ही हम राग करें अटैचमेंट करें शरीर के प्रति लेकिन इस शरीर को छोड़ के हमें जाना है, यह पक्का हमें निश्चय करना होगा।
विनाश और विध्वंस इसका स्वभाव है, क्योंकि शरीर का स्वभाव क्या, नेचर क्या है, विनाश होना और विध्वंस होना। और ये शरीर कैसा है, अध्रुव है, अनित्य है और अशाश्वत है। अध्रुव का मतलब है स्थायी रहने वाला नहीं है, अनित्य का मतलब टेम्परेरी है, और अशाश्वत यानी परमानेंट नहीं है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। जितना हमारा आयुष्य है इस जन्म का, मनुष्य जीवन का, तब तक हम इस बॉडी में रह सकते हैं। जैसा ही आयुष्य पूरा हो जाएगा तुरंत ही हमें यहाँ से निकाल देंगे, यानी आत्मा और शरीर के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। आत्मा तो रहना चाहती है, क्योंकि अनादिकाल के कितने सालों से इस शरीर में रहती है, इसलिए उसका तो बॉडी के प्रति अटैचमेंट हो गया, लेकिन बॉडी उसको रखेगी नहीं, तो दोनों में लास्ट में युद्ध होता है और आखिर बेचारे आत्मा को इस शरीर से निकल करके जाना पड़ता है। फिर दूसरे शरीर को वो धारण कर लेता है, फिर वापस उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। जो शरीर धारण करते उसके प्रति अटैचमेंट हमारा हो जाता है, इवन कीड़ा भी बन जाता है तो कीड़े को भी अपने शरीर के प्रति लगाव हो जाता है, वो भी मरना नहीं चाहता है। इसका उपचय और अपचय होता है, यानी हमारा जो शरीर है वो बढ़ता है घटता है, इसकी विविध अवस्थाएं होती है। क्योंकि देखते हैं बच्चा जब जन्म होता है इतना छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे किशोर अवस्था में, फिर यंग होता है, फिर ओल्ड होता है, फिर एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शरीर की अनेक प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट अवस्थाएं होती रहती हैं। संधि समुपेह मानस एआय तण रयस इह पिप मुक्कस नत्थि मग्गे वीरयस तिबेमि। जो कर्म विवर को देखता है, एक आयतन यानी वीतरागता में लीन है, अहित ममत्व से मुक्त है, हिंसा से विरत है, उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी जो अहिंसा का जीवन जीता है, जिनके राग द्वेष नहीं है, जिनका किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं है, उनके लिए उपदेश देने की जरूरत नहीं। उपदेश किसके लिए है, जो हिंसा का जीवन जीता है, जो राग द्वेष का जीवन जीता है, जो प्रमाद का जीवन जीता है, उनके लिए उपदेश है। लेकिन जो जागरूक है उसको उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही धर्म की आराधना करता है, अहिंसा का पालन करता है। आवंति के आवंति लोगन सी परिग्रहावंति से अपम वा बहुम वा अणुम वा थूलम वा चित्तमंतम वा अचित्तमंतम वा एतेषु चे परिग्रहावंति। इस जगत में जितने मनुष्य परिग्रही हैं, वे अल्प या बहुत सूक्ष्म या स्थूल सचित्त या अचित वस्तु का परिग्रहण करते हैं, वे इन वस्तुओं में मूर्छा रखने के कारण ही परिग्रही हैं। परिग्रही क्यों है, क्योंकि उनको पदार्थ के प्रति अटैचमेंट है। जो अटैचमेंट है वही हमारा परिग्रह है, चाहे सूक्ष्म वस्तु हो, चाहे स्थूल हो, सचित अचित कोई भी वस्तु हो, उसके प्रति यदि हमारा अटैचमेंट है तो हम परिग्रही हैं। आपके पास बहुत सारा धन है, बैंक बैलेंस बहुत है, लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो आप अपरिग्रही हैं। लेकिन छोटी सी वस्तु के प्रति भी यदि हमारा आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो हम परिग्रह हैं। सपोज साधु बन जाता है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन यदि उनको अपनी बॉडी के प्रति भी अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो वो भी एक प्रकार का परिग्रह माना जाता है। एतदेवेगेंसी महभयं भवति लोग वित्तं चरणं उवेहाये। यह परिग्रही परिग्रही के लिए महाभय का हेतु होता है। तुम लोक वित्त को देखो, माने व्यक्ति को भय क्यों लगता है, क्योंकि परिग्रह ग्रहण करता है, तो परिग्रह इकट्ठा करने के बाद उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते, सेफ कैसे रख सकते हैं, उसकी चिंता होती है। एक चिंता दूर नहीं होती, दूसरी चिंता ऐसे आगे से आगे, क्योंकि चिंता बढ़ती जाती है। जब हमारे पास ज्यादा परिग्रह होता है तब, तो परिग्रह भी तीन प्रकार का होता है, एक शरीर का परिग्रह, एक कर्म का परिग्रह और पदार्थ का परिग्रह। तो शरीर का परिग्रह का मतलब हमारी जो बॉडी है उसके प्रति हमारा अटैचमेंट है, वो परिग्रह हो गया। कर्म जो आठ प्रकार के जो कर्म है एक प्रकार का, वो भी परिग्रह है, क्योंकि वो तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते कर्म को छोड़े बिना। पदार्थ का मतलब है हमारे पास जो धन है, धान्य है, जो भी हमारे पास बैंक बैलेंस है, जो बंगला है, गाड़ी है, उनके प्रति यदि हमारा अटैचमेंट है, तो उससे क्या होता है, अटैचमेंट होने से उसको हमें सुरक्षित रखने की चिंता रहती है, और मन में टेंशन देता है एनी टाइम, कहीं हमारा कोई चुरा करके ना ले जाए, कहीं रेड ना हो, रेड ना पड़ जाए, एनी टाइम हमें चिंता बनी रहती है। इसलिए परिग्रह के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है
वो क्या करता है, हमारे भीतर भय को उत्पन्न करता है। ऐसे तो नौ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन परिग्रह को दसवां ग्रह माना जाता है। परिग्रह, परिग्रह का मतलब जो हमें पकड़ करके रखता है, जो हमें छोड़ता नहीं है, वो होता है परिग्रह। चारों ओर से पकड़ करके रखता है, उसका नाम है परिग्रह। तो परिग्रह के प्रति हमारा अटैचमेंट जितना कम होता है, उतने ही हम अपरिग्रही बनते जाते हैं। ए संगे अभी जान तो, अज्ञानी के लिए ये पदार्थ संग होते हैं। अज्ञानी जो होते हैं उनके लिए पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, संग होते हैं, यानी आसक्ति का कारण बनता है। जो ज्ञानी है वो केवल सोचता है, क्या वो भोगता है, लेकिन उसके प्रति अटैचमेंट नहीं करता है। लेकिन अज्ञानी होता है, सोचता है ये मेरी बॉडी, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मेरा करता रहता है। अज्ञानी व्यक्ति वो इतना आसक्त बन जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है यदि मैं आसक्ति रखूंगा, अटैचमेंट करूंगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो आसक्ति का कारण, उनके पास जो बैंक बैलेंस होते हैं उसके प्रति अटैचमेंट करता है, तो आसक्ति का कारण बनता है। तो आसक्ति के कारण फिर नए नए कर्म का बंद करता है, और जिससे उनके अनेक जन्मों में, अनेक रूपों में उनका जन्म होता रहता है। से सुपरिबुद्धम सुवणीयम तिणच्चा पुरीषा परम चक्षु भी पर कम्मा। परिग्रह महाभय का हेतु है, यह सम्यक प्रकाशित, ज्ञात और उपदर्शित है। परम चक्षुष्मान पुरुष तो परिग्रह संयम के लिए पराक्रम कर। ये परिग्रह क्या है, महाभय का हेतु, यानी जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने क्या कहा है कि परिग्रह है उससे भय उत्पन्न होता है, वो भी छोटा मोटा नहीं, भयंकर भय होता है। एवरी टाइम उसको फियर लगता रहता है, डर लगता रहता है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, कहीं ये मेरा चला ना जाए, ये मेरा चला ना जाए, ये मेरा ले ना जाए, बस उसी की चिंता में वो रहता है और अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। परिग्रह की सुरक्षा में ही उनका ध्यान रहता है। आत्मा हमारी कितनी भारी हो रही है, असुरक्षित हो रही है, उसका उसे कोई ध्यान नहीं होता है। एतेषु चैव ब्रह्मचर्यन्ति देवे, परिग्रह का संयम करने वालों में ही ब्रह्मचर्य होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। परिग्रह का संयम करने वालों में ही ब्रह्मचर्य होता है, यानी जो परिग्रह का संयम करता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। यानी जो परिग्रह के प्रति जिसका अटैचमेंट है वो ब्रह्मचर्य की भी साधना अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। तो ब्रह्मचारी के लिए कहा जाता है उसे परिग्रह नहीं रखना चाहिए, केवल जो साधु साधियों के लिए जितना वस्त्र पात्र उपकरण है उतना ही रखना होता है, उसके अतिरिक्त कोई भी बैंक बैलेंस साधु के नाम से नहीं होता है। यदि साधु के नाम से बैंक बैलेंस है तो वो साधु नहीं कहलाता है, क्योंकि वो बैंक बैलेंस रखेगा फिर उनका मन साधना में नहीं रहेगा, उसी में रहेगा कितना आया, कितना कम हुआ, कितना गया। तो ब्रह्मचारी जो होते हैं, तो ब्रह्मचारी होते हैं वो परिग्रह का संयम रखते हैं, यानी वो परिग्रह परिग्रह नहीं रखते हैं। परिग्रह यदि रखेंगे तो फिर ब्रह्मचर्य का वो पालन भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य के पहले भी अर्थ आए थे, इसमें भी वापस अर्थ आए हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है आत्मा में रमण करना, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है गुरुकुलवास में रहना, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मैथुन से विरत होना। से सुयंच में अजथ्यंच में बंद पमोको तुझ अजथेव, यह अर्थ वंदना का सूत्र जो इसी से लिया है। तो मैंने सुना है, मैंने अनुभव किया है, बंद और मोक्ष तुम्हारी आत्मा में ही है। भगवान से हमने सुना है, तीर्थंकरों से हमने सुना है, क्या सुना है कि बंद और मोक्ष हमारी आत्मा में है। हम चाहे तो बंद भी सकते हैं, हम चाहे तो मुक्त भी हो सकते हैं, हमारी आत्मा में ही है, हमारी आत्मा से अलग कुछ नहीं है। तो बंधन जब हमारा राग होता है तब हम क्या है, बंद जाते, कर्म का बंद करते। जब हम राग और द्वेष दोनों से मुक्त होते हैं तब हम हमारा मोक्ष हो जाता है। यानी आत्मा ही कर्मों की करता है और आत्मा ही कर्मों का बंद करती है, और उसका भोग भी आत्मा ही करती है, और उससे मुक्त भी आत्मा ही होती है। आत्मा ही कर्मों की करता है और आत्मा ही बंधन करती है, आत्मा ही कर्मों का भोग करती है, और मोक्ष भी किसका होता है, आत्मा का ही होता है। एथ विरते अणगारे दिह रायम तितिक्खये पमत्ते बहिया पास अपमत्तो परिभये। एथ विरते अणगारे, जो अणगार होता है, अणगार यानी जो मुनि होता है, साधु होता है, मॉन्क होता है, वो क्या है,
परिग्रसी विरत अंगार परिसह को जीवन पर्यंत सहन करे। जो 22 परिसह होते हैं साधु के लिए, तो क्षुधा पिपासा यानी भूख का परिसह, प्यास का परिसह, गर्मी का, सर्दी का, मच्छर का, वो जो 22 परिसह साधु के होते हैं, उन परिसह को साधु क्या करे, लाइफ लॉन्ग सहन करे। ऐसे नहीं एक दिन सहन करे, लाइफ लॉन्ग सहन करना होता है। यदि साधु के जीवन में जो कष्ट आते हैं उनको सहन करते हैं तो उन्हें बहुत कर्मों की निर्जा होती है और आगे का जो बर्थ होता है बहुत अच्छा होता है। तो साधु के जीवन में तो ओनली 22 परिसह होता है, लेकिन गृहस्थ के जीवन में 2200 जितने परिसह होते हैं। एक चिंता मिटती है, दूसरी, एक बच्चा जन्म लेता है, फिर उसको पढ़ाने की चिंता, फिर उसको पढ़ाना, उसका एडमिशन कैसे अच्छी कॉलेज में हो सकता है, फिर उसकी जॉब कैसे अच्छी लग सकती है, जॉब लग जाए तो फिर उसको उसकी शादी कैसे अच्छी लड़की के साथ हो सकती है, आगे से आगे एक के बाद एक चिंता लगी रहती है। तो गृहस्थ के जीवन में तो कितने कितने परिश्रम होते, कितने कितने कष्ट होते, लेकिन वो अनादिकाल के संस्कार है इसलिए वो कष्ट नहीं लगते हैं। साधु के जीवन में कष्ट लगते हैं, उनको दया आती है, अरे आप तो दीक्षा ले लिया, आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो कैसे जीवन जीते हैं, हम देखो कितने ऐसा जीवन जीते हैं, उनको दया आती है हमारे पर। लेकिन हमको दया आती है आप लोगों पर कि आप कितने अभी तो आनंद का जीवन जीते हैं, लेकिन कितना कितने कितने कर्मों का बंद करते हैं। हम सोचते कि हम कितने सुखी है, ये सब झंझटों से, सब कर्मों से मतलब छूट गए, नहीं तो घर में रहते, संसार में रहते तो कितने कितने हम भी नए नए कर्म का बंद करते रहते। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना जागरूकता का जीवन जीते हैं, तो जिससे हमारे और अधिक कर्मों की निजा होती है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि परिग्रहसी विरत अंगार परिसह को जीवन पर्यंत सहन करे। तू देख जो प्रमत्त है वे साधुत्व से परे है, जो प्रमादी है वो साधु नहीं है, साधु भी बन गए यदि वो साधु बन करके भी वो प्रमादी है, शरीर के प्रति वो आसक्त है, उनके पास जो भी पूंजनी है, जो भी पात्र है, वस्त्र है, उनके प्रति भी उनका अटैचमेंट है, और टाइम पर वो न प्रतिक्रमण करता है न स्वाध्याय करता है, तो वो भी साधु बन करके भी प्रमादी है, तो और अधिक कर्म का बंद करता है। इसीलिए तो अप्रमत्त होकर परिव्रजन कर, तो साधु को निरंतर ही अप्रमाद की साधना करनी होती है। यदि वो प्रमाद का जीवन जीता है तो वो साधु के लायक नहीं होता है। एयम मौनम सम्मम अनुवासित जासित तिबे में, इस मौन का तो सम्यक पालन कर ऐसा मैं कहता हूं। मौन का मतलब है जो साधुपन है उनका सम्यक पालन करना है, ऐसा मैं कहता हूँ। आचार्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने साक्षात भगवान से सुना है, इसलिए जम्बू मैं आपको कहता हूँ कि जो परिग्रही व्यक्ति को आत्मानुभूति नहीं होती, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का साक्षात्कार कौन कर सकता, जो अपरिग्रही होते हैं वही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जिसका लगाव परिग्रह के प्रति होता है, पदार्थ के प्रति होता है, वह आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो मौन का अर्थ अपरिग्रह का ज्ञान अथवा संयम का अनुष्ठान, यह मौन का मतलब मौन करना नहीं, मौन का मतलब ये तो अपरिग्रह का ज्ञान, हम अपरिग्रही कैसे रह सकते उनका ज्ञान, या संयम का अनुष्ठान, जो 5 महारथ है, 5 समिति है, 3 गुप्त है, उनकी आराधना कैसे हम अच्छी तरह से कर सकते उनका ज्ञान। जो संयम की साधना करता है, अपरिग्रह का जिसको ज्ञान है, वह व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। क्योंकि यदि हमारा मोह है किसी व्यक्ति के प्रति, अटैचमेंट है किसी वस्तु के प्रति, वो हमें आत्म साक्षात्कार करने में बाधक बनता है। यदि हमें आत्म साक्षात्कार करना है, हम क्या करें, अप्रमाद की साधना करें, अहिंसा का जीवन जिए और संयम का जीवन जिए। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।